बच्चों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम गोइंग टू स्कूल के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि सीमेंट ब्रिज वाले टॉपिक के बाद है। डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज, अब एक ब्रिज बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट होता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि बैम्बू ब्रिज असम में पाए जाते हैं और बैम्बू ब्रिज बैम्बू से बना होता है। सीमेंट ब्रिज आपको कहीं पर भी आमतौर पर मिल जाएंगे और वो सीमेंट से बना होता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? तो सीमेंट ब्रिज को एक बार बहुत लोग क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बैम्बू ब्रिज को एक बार ज़्यादा लोग नहीं क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज? तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, तो मैं यूज बैम्बू ब्रिज ही करना चाहूँगा क्योंकि मैंने अभी तक बैम्बू ब्रिज पे चढ़ा नहीं है। उसके बाद, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? क्या आपने कभी अपने स्कूल के रास्ते में ब्रिज को क्रॉस किया? अगर हाँ तो कौन सा टाइप का वो ब्रिज था? तो मैंने ट्रेवल किया है और वो ब्रिज सीमेंट ब्रिज होता था उस टाइम पे। उसके बाद फिर उसका पिक्चर बनाने के लिए बोला गया, तो आप कॉपी में अपना उसका पिक्चर बना लीजिएगा। उसके बाद फिर है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कौन से ब्रिज का यूज़ करते थे? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। उसके बाद, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। तो अब यहाँ पे आपको ब्रिज के बारे में फाइंड करना है, तो ये तो हम नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि ये आपको खुद से फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? तो भलम के टॉपिक के बाद का है कि क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन द अदर काइंड ऑफ बोट? क्या आपने कभी अदर टाइप के अलग अलग टाइप के बोट्स देखे? तो हाँ, हम सभी ने कभी कभार अलग टाइप्स के बोट देखे होंगे। जब बाढ़ आता है थोड़ा सा अलग होता है, कोई सी पर अलग होता है, ओके। और कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज डेट वी कैन ट्रैवल ऑन द वाटर? तो हम शिप से ट्रैवल कर सकते हैं वाटर पे। उसके बाद, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट ऑफ हॉर्स? तो कैरेज ऐसा तो मैंने नहीं कभी चढ़ा है। जब मैं अपनी मम्मी के पेट में था तब मैंने टोंगा पे चढ़ा था अपनी मम्मी द्वारा, ओके। तो उसके बाद फिर है कि तुम एक बार कार्ट में फील राइड करते हो कैसे फील करोगे? तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी क्योंकि वो एक हरियाली और शांति वाली जगह होगी। ये है बुल्लो कार्ट से वेट बुल्ली। तो मैं यहाँ तो एक सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो बुल्लो कार्ट से नहीं होते हैं। डज इट हैव अ रूफ? तो ये सब क्वेश्चन तो आपको गांव में ही जा कर मिलेंगे, तो अभी मैं तो सिटी में रहता हूँ तो इसका क्वेश्चन मेरे पास भी नहीं है। कैन आई राइड अ बाइसाइकिल इफ यू शूट आउट यू टू राइड? क्या आपको आपने कभी साइकिल बाइसाइकिल राइड की है? तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग यही बोलेंगे हाँ हमने बाइसाइकिल राइड की है। तो मैंने भी राइड की है। आपको कौन सिखाया आपको यहाँ लिखना है, ओके। उसके बाद, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसाइकल्स टू योर स्कूल? कितने बच्चे स्कूल आते हैं बाइसाइकिल से? तो ये क्वेश्चन है। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? तो जुगाड़ से अब ये क्वेश्चन सब है कि ऐसा कोई गाड़ी है? तो मैं तो गुजरात में नहीं रहता हूँ, झारखंड में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा गाड़ी आपको मिलता नहीं है। व्हाट डू यू कॉल देम? तो ये उसके बाद आपको गुजरात में जाके पता चलेगा। बट हैव यू एवर सीन अ थिक जंगल और एनी सच थिंग? हाँ, मैंने प्लेस देखा है, मेरे घर के आस पास नहीं है, थोड़े से दूरी डिस्टेंस में। उसके बाद, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? ये है मूविंग ऑन द स्नो के बाद, जो है नॉर्दर्न सॉल एरिया है उसके बार के बाद में। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवन एल्स? मैंने फिल्म पर बहुत बार देखा है, और मैं नॉर्दर्न हिल्स में नहीं रहता हूँ, मैं ईस्टर्न एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ तो नहीं पड़ती है। सर, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? मुझे लगता है तो मेरे हिसाब से जी नहीं, वहाँ स्नो हर टाइम नहीं रहती होंगी, वहाँ उसको गर्मी रहती। सर्दी का टाइम में वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती होंगी, सब फिसल भी जाते होंगे बहुत बार। तो क्या डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन यू वे टू स्कूल? तो मैं कभी अपने स्कूल के रास्ते में तो डिफ़िकल्टी नहीं फेस हुई क्योंकि बहुत प्लेन रास्ता, सिटी में अच्छे ख़राब रास्ते तो आपको जल्दी मिलते नहीं है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? तुम्हें कौन सा मंथ में अच्छा लगता है स्कूल जाने में? तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा मज़ा आता है, वहाँ पे गर्मी जब मिलती है सुकून मिलता है स्कूल जाके। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपका होगा वह आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक या फिर बुक ही में लिख सकते हैं आप। तो उसके बाद फिर, और ये वाला फाइंड आउट है तो ये आप फाइंड आउट खुद से कर लीजिएगा। तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन आंसर के साथ, तो इस चैप्टर का यही एंड होता है। तब तक के लिए बाय।